ला युमिनु अहदुकुम, तुम में वो बंदा मोमिन नहीं हो सकता, हत्ता उस वक्त तक कि अकून अहब इलैही, कि मैं मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह का नबी उस बंदे के नजदीक अकून अहब इलैही, तमाम रिश्तों से ज्यादा महबूब, अहब तमाम रिश्तों नातों से ज्यादा मेरा एहतराम, मेरी मोहब्बत, मेरा अदब और मेरी ताजीम जब तक उस तक ना पहुंचे, किसके अदब के मुकाबले पर? फरमा में वालिदी ही, उसके माँ बाप से ज्यादा मेरी मोहब्बत उसके दिल में जब तक ना आए। मैं वालिदी ही, तवज्जो से सुन लीजिए नौजवानों, हुजूर ने फरमाया अपनी औलाद से ज्यादा, वह नासी अजमाई, और हर वो रिश्ता, हर वो नाता जिसका एहतराम और ताजीम की जाती है, जब तक माँ बाप, बच्चे, बाल बच्चे, रिश्ता, कुंबा, बरादरी, नस्ल, वतन, हर शय से ज्यादा अकून अहब इलैही, जब तक मैं मुस्तफा उसके नजदीक इन तमाम रिश्तों से ज्यादा प्यारा, महबूब, मुअज्जम, बावकार उसके दिल में ना हो जाऊं, ला युमिनो, वो बंदा मोमिन नहीं हो सकता। जिससे हमने मोहब्बत करनी है, तो जब तक उसका रुतबा और मकाम हमें पता नहीं होगा तो हम मोहब्बत कैसे करेंगे? लेकिन उसका रुतबा और मकाम पता होने के दलाइल भी इतने सच्चे जरिए से आने चाहिए कि उसकी शान, उसकी अजमत, उसका मकाम जो हमें पता चल रहा है, जिससे मोहब्बत करना है, वो जिस सोर्स से और जिस जरिए से पता चल रहा है, वो जरिया इतना साफ सुथरा, मुसल्लम और पाकीजा होना चाहिए कि जिसकी तरफ जहन वसवसा ना ले, सीना वसवसा ना ले। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत वाजिब है। मिलादुन नबी के जलसे के अंदर आपकी अजमत और शान को बयान किया जाता है, और आपकी अजमत और शान हमें जो पता चलती है, वो इतने सुतरे रास्ते से पता चलती है जहां शक, तरद्दुद और वहम का गुमान भी नहीं होता। और वो क्या है? वो अल्लाह का कलाम है, वो कुरान है, जिसमें आपकी अजमतें बयान की गई है।